नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इंडिया डिफेंस पे। मैं लेके हाजिर हूँ आज का डिफेंस डिस्कशन का एपिसोड 27। और इस एपिसोड में बात करने वाले हैं प्रॉक्सिमिटी जैमिंग के बारे में। तो बेसिकली प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की जैमिंग किस तरह से होती है किसी भी मिसाइल सिस्टम में, इसको जानेंगे। और क्या मीटियोर में प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को जैम किया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है, तो इस चीज़ को जानेंगे। सो इस डिफेंस डिस्कशन एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर दें, यह एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। तो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को कैसे जैम किया जा सकता है इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि प्रॉक्सिमिटी फ्यूज आया कब वजूद में और इसको इन्वेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बेसिकली प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की निर्माण की आवश्यकता 1940 में दिखाई दी जब सबसोनिक एयरक्राफ्ट का इंट्रोडक्शन होने लग गया वर्ल्ड वॉर टू में, और जिसकी वजह से जो कन्वेंशनल फ्यूज थे, जो कन्वेंशनल मैकेनिज्म था किसी भी मिसाइल को या फिर किसी भी आर्मामेंट को ट्रिगर करने का, वो फेल होने लग गया। क्योंकि जैसे ही ये शेल और बॉम्ब्स इन एयरक्राफ्ट के नज़दीक जाते थे तब तक एयरक्राफ्ट पास हो जाता था और ये अपने ट्रिगर मैकेनिज्म की वजह से अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते थे, और जिससे कि हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए मल्टीपल वॉरहेड छोड़ने पड़ते थे। और ऐसा एक आंकड़ा उपलब्ध है जिसके अंतर्गत तकरीबन 2000 शेल्स बॉम्ब्स छोड़ जाते थे किसी एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। और इस चीज़ को देखते हुए ही प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, जिसे रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के नाम से बताया जाता है, वो अपने वजूद में आया। तो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज में क्या था कि जब ये किसी भी अपने टारगेट के नज़दीक जाते थे और एक इनकी प्रॉक्सिमिटी वैल्यू सेट की गई होती थी कि ये अपने टारगेट के इतने प्रॉक्सिमिटी इतने नज़दीक जाएंगे तो ये ट्रिगर मैकेनिज्म को इनेबल कर देंगे, जिसकी वजह से वॉरहेड ट्रिगर हो जाएगा और नियर बाई ऑब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुँचा सकेगा। और इस प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के इंडक्शन के बाद जो एक एयरक्राफ्ट को मारने के लिए तकरीबन 2000 सेल्स फायर करने पड़ रहे थे, वो घट के तकरीबन 400 के नज़दीक पहुंच गया। मतलब प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के इंडक्शन ने काफ़ी हद तक हेल्प की उस दौरान, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। अब जान लेते हैं प्रॉक्सिमिटी फ्यूज काम कैसे करता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं। तो ये रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज मिलकर बने होते हैं ऑसिलेटर और छोटे छोटे सेंसर से मिलकर, जो कि इसे हेल्प करता है डोपलर इफेक्ट और बीट फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके वॉरहेड मैकेनिज्म को ट्रिगर करने में। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि ये डोपलर इफेक्ट और बीट फ्रीक्वेंसी का कैसे यूज़ करता है। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, डोपलर इफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ किसी ऑब्जेक्ट से रिलीज की गई है किसी टारगेट पे, तो वो टारगेट के नज़दीक ज़्यादा डेंस होगी, वहीं टारगेट से दूर या फिर एमिट किए जा रहे सोर्स दूर इसकी जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होगी वो उतनी डेंस नहीं होगी। और दूसरी तरफ बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो आपको दो फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ के बीच में एक हल्का सा माइनर डिफरेंस दिखता है तो वो आपको बीट के रूप में एक नोड से दूसरे नोड तक रिलीज होती हुई प्रतीत होती है। तो रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इन्हीं दो टर्म्स के एप्लीकेशंस को यूज़ करता है। तो आइए जान लेते हैं कि इसकी वर्किंग कैसी है। तो जैसे ही कोई भी मिसाइल किसी एयरक्राफ्ट से या फिर किसी आर्टिलरी सेल से छोड़ा जाता है तो जब वो अपने मिड रेंज में होता है तब उसका जो रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें लगे ऑसिलेटर्स रेडियो वेव रिलीज करते हैं। और जैसे ही ये मिसाइल ऑब्जेक्ट के ज़्यादा नज़दीक पहुँचता है तो वो रेडियो वेव्स ऑब्जेक्ट से टकरा के दोबारा प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के पास लौटते हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, जब प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के सोर्स से वो फ्रीक्वेंसी रिलीज हो रही होती है तो वहाँ पर वो डेंस होती है, तो जैसे ही वो वापस लौट रहे होते हैं तो वो इसके वेवलेंथ के साथ मिलके इसे और भी डेंस बना देते हैं, और जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के एम्पलीफिकेशन के ऊपर इनका जो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म है वो सेट किया गया होता है। और जैसे ही लौट रही फ्रीक्वेंसी इसको और एम्पलीफाई कर देती है तो ये मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है और वॉरहेड डेटोनेट हो जाता है। तो जैसे ही कोई मिसाइल ट्रैवल कर रहा होता है तो वो अपनी एक प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस लेके चल रहा होता है कि इस दूरी के अंदर अगर कोई भी टारगेट आता है तो वो रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के रेंज में है। और ये दूरी इसलिए सेट की गई होती है कि इस दूरी में अगर आपका वॉरहेड डेटोनेट होता है तो वो टारगेट को जरूर डिस्ट्रॉय करेगा या फिर क्षतिग्रस्त करेगा, इसलिए एक प्री डिफाइंड वैल्यू दी गई होती है प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की और मिसाइल की कि वो टारगेट के इतने क्लोज जाके टारगेट को क्षतिग्रस्त करने में सक्षम होगा। तो ये तो हो गया वॉरहेड के डेटोनेशन का मैकेनिज्म। तो अब बात करते हैं एक ऐसे टेक्निक की जो कि आने वाले दिनों में काफ़ी पॉपुलर होने वाला है और इस पे अभी रिसर्च चल रही है US में, और कुछ रिसर्च पेपर मैंने भी पढ़े हैं और तभी आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की जैमिंग काफ़ी प्रोमिनेंट ऑप्शन होने वाला है ज़्यादातर देशों के लिए, क्योंकि वैसे भी मॉडर्न वॉरफेयर काफ़ी एडवांस होता जा रहा है तो इस तरह की जैमिंग भी काफ़ी पॉसिबल है। तो जान लेते हैं प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को जैम कैसे किया जा सकता है। तो इसको जैम करने के लिए अभी एक टेस्टिंग के दौरान ही US में एक जैमर फ्रिक्वेंसी क्रिएट की गई है, जिसके अंतर्गत जब इस फ्रिक्वेंसी को आ रहे मिसाइल पे छोड़ा जाता है तो वो क्या करता है, जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से आ रहे रेडियो वेव्स होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो तो सोर्स के नज़दीक काफ़ी डेंस होती है, तो ये क्या करते हैं उस रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी को बहुत दूर ही और डेंस बना देते हैं, जिससे कि ये वॉरहेड मैकेनिज्म बहुत पहले ही डेटोनेट हो जाए और
ऑब्जेक्ट के नजदीक आने से पहले ही अपने आप ब्लास्ट हो जाए। तो ऐसी जैमिंग के लिए पर्टिकुलर रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी डेवलप की जा रही है, और इस टेस्ट के दौरान एक फ्यूज को लेके एक आर्टिलरी शेल के बॉम्ब में लगा के एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ा गया और नीचे जैमर रख दिया गया। और जब जैमर ने अपने फ्रीक्वेंसी छोड़ी तो वो सेल जिसको जमीन के नजदीक आके 3 फुट दूर फटना था वो तकरीबन जमीन से 40 फुट दूर ही फट गया इस टेस्ट के दौरान। तो इस टेस्ट के दौरान ये बातें उभर के सामने आई कि अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिलीज की जाए जैमिंग प्रोसेस के थ्रू तो जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है उनको भी जैम किया जा सकता है। और अभी इस पे जो शोध है वो अभी अपने इनिशियल स्टेज में है। देखने वाली बात ये होती है कि ये डेवलपमेंट कब तक सामने आता है। अगर इस तरह के प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की जैमिंग होनी शुरू हो जाती है तो जो दुनिया में मुख्य एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको भी जैम करना काफी आसान हो जाएगा, जैसे कि मेटियोर मिसाइल्स, उसमें भी प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा हुआ है जिसे एक स्वीडिश कंपनी डेवलप करती है। तो ये काफी पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी का यूज करके जो मिसाइल के प्रॉक्सिमिटी सोर्स से आ रहा है पर्टिकुलर रेडियो वेव है उसको वहीं पर डेंस बना दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो एम्पलीफिकेशन की वजह से पहले ही ट्रिगर मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देगा और वॉरहेड डेटोनेट हो जाएगा। और अभी फिलहाल मेटियोर जैसे किसी मिसाइल को जैम करना काफी मुश्किल है क्योंकि वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाले सीकर का यूज़ करता है। तो इस तरह के सीकर्स को आप जैम नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज जैमिंग आ जाती है तो इस तरह के किसी भी मिसाइल को जैम किया जा सकेगा। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के प्रॉक्सिमिटी फ्यूज जैमिंग को लेकर इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।